एमसी स्टैंड का जो नाम बढ़ रहा है, कितना हेल्प होगा रैप कल्चर को, द न्यू कमिंग यंगस्टर्स फॉर द रैप कल्चर? अभी तो और कल्चर्स को हेल्प चाहिए, रैप कल्चर को कोई हेल्प नहीं चाहिए अब। बट आई थिंक रैप इज हियर टू स्टे। शुरू में लोगों को लगा था कि एक फैड है, चला जाएगा, बट आपके सामने ही है। क्योंकि हम जो रैपर्स होते हैं ना, बड़े ढीठ होते हैं, बचपन से ही हसलर होते हैं, तो अपनी जगह बनाने की आदत हमें होती है। और एमसी स्टैंड तो एक एग्जाम्पल है, जीता जाता एग्जाम्पल है। एंड आई थिंक एवरीबडी फ्रॉम द कम्युनिटी इज रियली प्राउड ऑफ हिम। जो कम्युनिटी से बाहर हैं वो भी प्राउड हैं, बिकॉज इवेंचुअली इट्स एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी समवन विन हुज़ कम फ्रॉम द बॉटम। एंड आई थिंक एफ सी स्टैंड इज वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। एक्साइटेड हूँ ऑफ कोर्स, बिकॉज परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है और उन सिटीज़ में जाने का मौका मिल रहा है जहाँ पे काफ़ी टाइम से नहीं गए हैं। और एक मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मतलब जब लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं, तो नहीं तो गाना रिलीज़ करो फिर वेट करो उसके व्यूज़ उसके स्ट्रीम्स, तो जब आप परफॉर्म करते हो आपको इंस्टेंटली पता चल जाता है कि अरे वाह अच्छा लग रहा है या मज़ा आ रहा है। तो इसलिए बहुत एक्साइटेड हूँ लाइव शोज़ के लिए, मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ। किंग को भी होना चाहिए था। मतलब मैं मुझे तो सारे ही अच्छे लगते हैं। किंग ऑफ कोर्स आई लव किंग, इज लाइक अ ब्रदर, बट वो तो ये रॉयल स्टैग वाले बताएंगे। बहुत आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रॉपर्टी रॉयल स्टैग बूम बॉक्स, क्योंकि आप वेरिएशन देख रहे हो आर्टिस्ट की। मतलब नॉर्मली इतना दम होता नहीं है ब्रांड्स में टू ब्रिंग सच अ वेरीड यू नो सच वेरीड जॉनर्स ऑफ आर्टिस्ट ऑन वन स्टेज। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सीजन दर सीज़न इसके आते रहें। और ऐसे ही यही आर्टिस्ट हमारे अलावा भी जो भी नए आर्टिस्ट हैं उनको भी मौका मिले इस स्टेज पर आने का और अपनी कला दिखाने का। हम आप हम बादशाह जी, मेरा सवाल था कि रैप कल्चर जो नए टैलेंट आ रहे हैं, रैप कल्चर की मैं बात करूँ, लास्ट एक डेकेड से जिस तरह रैप कल्चर दिखा है और हाल ही में एमसी स्टैंड का जो नाम बढ़ रहा है, कितना हेल्प होगा रैप कल्चर को, द न्यू कमिंग यंगस्टर्स फॉर द रैप कल्चर? अभी तो और कल्चर्स को हेल्प चाहिए, रैप कल्चर को कोई हेल्प नहीं चाहिए अब। आई थिंक रैप इज हियर टू स्टे। शुरू में लोगों को लगा था कि एक फैड है, चला जाएगा, बट आपके सामने ही है। क्योंकि हम जो रैपर्स होते हैं ना, बड़े ढीठ होते हैं, बचपन से ही हसलर होते हैं, तो अपनी जगह बनाने की आदत हमें होती है। और एमसी स्टैंड तो एक एग्जाम्पल है, जीता जाता एग्जाम्पल है। एंड आई थिंक एवरीबडी फ्रॉम द कम्युनिटी इज़ रियली प्राउड ऑफ हिम। जो कम्युनिटी से बाहर हैं वो भी प्राउड हैं, बिकॉज इवेंचुअली इट्स एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी समवन विन हुज़ कम फ्रॉम द बॉटम। एंड आई थिंक एमसी स्टैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट रिप्रेजेंटेशंस। Do you think Indian Yes.